भारत जोड़ो यात्रा में हम वहीं से निकले, एक्चुअली साइट से निकले, पुलवामा से। तो मुझे ये लग रहा था कि जो आपने बोला कि ऐसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहाँ से आ गया, कैसे आया, वो मेरे क्वेश्चन, मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। सारा पाकिस्तान से आया था, बट इतना 600-300 किलो। हाँ, ये बॉर्डर तो हमारा पोरस है और ये इतना एक्सप्लोसिव इंडिजिनसली प्रोक्योर करते तो वो बात फैल जाती। ये 10-12 क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से ये गाड़ी पूरी भरी थी एक्सप्लोसिव से। और बताया मुझे जब मैं गया कि साहब ये तो 10-12 दिन से घूम रही थी गाड़ी, जो गाड़ी चला रहा था उसका भी, मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था, दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे, फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे, फिर छूट गए थे। अच्छा, तो उन पर कोई निगाह नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। यहाँ मीडिया में, मतलब मैं देख रहा था यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इज़राइल कास्ट सेंसस को नहीं देखा, मतलब जो चाहे वो अदानी हो चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इज़राइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गांव-गांव चला गया अदानी का। और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। हाँ, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। कल ही एक स्टोरी आई है कि ये कोयले के प्राइस इन्फ्लेट कर रहा है, वहाँ से इंडोनेशिया से कोयला नाव में जाता है और यहाँ पहुँचते उसकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है और फिर लोगों को बिजली के लिए ज़्यादा रेट देना पड़ता है, मगर वो भी मीडिया ने कहीं नहीं उठाया। मुझे खबर ये दी गई कि जिस दिन मैं ये करण थापर का इंटरव्यू किया, इन्होंने बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक हेडलाइन। मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है इसके कारण ये किया गया है, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा की बात की तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको 10 दिन तक खत्म कर दिया, ओवरशैडो कर दिया। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा में मुझे एक बात समझ आई कि कितना भी मीडिया पे कंट्रोल हो, अगर आदमी डायरेक्ट जनता के पास जाता है, हाँ तो फिर कोई नहीं, तो नहीं चलता। जनता ओनली आंसर है, जनता के पास जाना। और अगर आप जनता के पास जाते हैं तो बहुत जल्दी जनता को बात समझ आ जाती है, वो टाइम नहीं लगता। नहीं, जनता तो अवेयर है देश में, ऐसा नहीं उन्हें मालूम नहीं है, बट उन पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहाँ कहें, किसको कहें, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे ही गए गुजरे हैं सब। पहले मैंने पार्लियामेंट में स्पीच दी कास्ट सेंसस के बारे में, जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था मैंने देखा कि हमारे सब इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते मीडिया में, चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हाउसेज देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो चूंकि लोहियाइट रहा हूँ, तो लोहिया ने एक बार कहा था कि मुझे कमेटी बनानी थी गोवा की आज़ादी की, तो मैं जब भी कमेटी बनाऊँ उसमें 48% अपर कास्ट आ जाते थे, नाम मांगूँ तो भी वही आते थे, तो ये सिस्टम बन गया यहाँ का। इसको चेंज करने का आपकी राय क्या है? एक तो इसको कंपलसरी करना पड़ेगा, भाई इतने परसेंट हों, जैसे नौकरियों में हो गया उस तरह से, और दूसरे उन वर्गों में थोड़ा चेतना बढ़ानी पड़ेगी, भी तुम इन पेशों में आओ। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्थिति है एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में हिंदुस्तान में, उसके डिटेल्स ओबीसी वर्ग को भी नहीं मालूम, दलित वर्ग को भी नहीं मालूम। आपने थोड़ा, मतलब मैंने तो थोड़ा सा छुआ है, बट एक्चुअली किसी को नहीं मालूम, पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है उसमें कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई ट्राइबल, वो भी उन्हीं के हाथ में है। तो एक प्रकार से लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और इतना लाउड करते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। जैसे आपने पुलवामा की बात की, कास्ट सेंसस की बात की, अदानी की बात की, बस लाउड स्पीकर, मोदी जी लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और जितना चिल्लाना चाहो चिल्लाओ, कुछ नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में 3-4 घंटे बढ़ईयों के साथ काम किया, तो वो मुझे बता रहे थे कि हम सोफ़ा बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, मगर जिस शोरूम में वो बिकता है उसमें हम जा नहीं सकते। मतलब काम हमारा, मेहनत हमारी, मगर फल हमारा नहीं। और कितना गुना एनहांस करके
पैसा लेते हैं उसका, इनको तो कुछ मिलता नहीं गरीबों को, ये बहुत ही एक्सप्लोइटेटिव सिस्टम है। तो अगर आप जीएसटी देखें, जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर वो टैक्स भरते हैं। डिमोनेटाइजेशन भी उनके खिलाफ हथियार था, किसान आंदोलन में तो आपने काफ़ी कमेंट किया है, वो भी मतलब उनके घर में से पैसे निकालने का तरीका था। नहीं, वो तो इनका मैं बताता हूँ, अगर आप नहीं हटाओगे इस बार तो खेती को तो ये पूरी तरह खत्म, मतलब किसान छोड़ के भाग जाएगा और ये कॉरपोरेट को दे देंगे, इनका यही इरादा है। मैं तो खेती करता था, मेरे गांव में पूरी यूपी की सबसे बड़ी काश्त थी, एक हमारे चचा थे उनके पास 2500 बीघा ज़मीन थी, और आज मैं जाता हूँ तो सब के लड़के शहर में आ गए हैं, चूँकि एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है, तो वो बटाईदार को दे के वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी खेती। खेती को ख़त्म करेंगे, फौज ख़त्म करी दी से ये लाके अग्निवीर में कौन इतने से अरसे के लिए अपनी जान देगा, तो ये शने शने सब लोगों को, ये हर इंस्टीट्यूशन को पकड़ के ख़त्म कर देते हैं इनकी, मतलब इमीडिएटली ये, चाहे वो सेना हो, सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन, जैसे इनके हाथ पड़ता है वो अपने लोगों को बैठा के कुछ ना कुछ उल्टा। मैं आप एक स्टडी करा लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स हैं पिछले एक साल में लगे हैं, वो 100% वो हैं जिनके संघ से कनेक्शन थे, उसके बिना आप कोई नौकरी नहीं पा सकते हैं आज, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होने लायक भी नहीं थे वो वीसी लगे हुए हैं सब जगह, मतलब इनका शिक्षा का सिस्टम नहीं रहा, कंट्रोल का, माइंड कंट्रोल का सिस्टम बनाने की कोशिश।